नरेंद्र मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार काले धन को लेकर सक्रिय रही है। सरकार ने पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक में ब्लैक मनी पर ही SIT का गठन किया। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति भी ब्लैक मनी पर लगाम लगाएगी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के स्विट्जरलैंड के दौरे के बाद स्विट्जरलैंड ने चोरी के आंकड़ों के आधार पर दूसरे देशों को उनके नागरिकों के बैंक खातों के बारे में सूचना देने संबंधी नियमों को सरल करने की घोषणा की। इस कदम से भारत को काले धन के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद मिलेगी। चोरी के आंकड़ों के आधार पर स्विस अधिकारी अन्य देशों को कर मामलों में सहयोग करेंगे, बशर्ते ये सूचना सामान्य प्रशासनिक सहयोग चैनल या सार्वजनिक सूत्रों के जरिए जुटाई गई हो। स्विस संघीय परिषद ने इस प्रस्ताव को ऐसे समय स्वीकार किया है जबकि भारत विदेशों में अपने नागरिकों के जमा धन को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि PM नरेंद्र मोदी और स्विस राष्ट्रपति जोहान स्वाइडर अम्मान के बीच हुई बैठक में भी काले धन का मुद्दा उठा था। स्विट्जरलैंड की पहचान बैंकिंग गोपनीयता के लिए रही है, उस पर लगातार काले धन के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए अन्य देशों का दबाव पड़ रहा है। वर्ष 2013 में संघीय परिषद ने प्रशासनिक सहयोग व्यवहार को चोरी के आंकड़ों के मामले में आसान करने का सुझाव दिया, लेकिन उस समय इस प्रस्ताव को ज्यादातर दलों और व्यापारिक संगठनों ने ठुकरा दिया था। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड सरकार नियमों को बदलकर काले धन की वापसी को आसान बना सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।